नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है इन्वेस्टमेंट फंडा में। आज हम देखते हैं कि कहाँ निवेश करना ज़्यादा बेहतर है, बैंक एफडी में या फिर एसआईपी में। ज्यादातर अनुभवी लोग बैंक एफडी की सलाह तो देते हैं, परंतु कॉरपोरेट कंपनियां और विज्ञापन कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं जो कि एसआईपी की तरफ ज्यादा लुभाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि बैंक एफडी के क्या फायदे हैं और क्या ये एसआईपी से बेहतर है। एफडी एक जोखिम रहित निवेश है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको निवेश के शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना फायदा होगा। इसमें कोई जोखिम नहीं है, किसी भी स्थिति में ना तो उससे ज्यादा पैसा मिलता है और ना ही कम। 5 साल के लिए एफडी करवाने पर आपको आयकर में भी छूट मिलती है। इसमें जमा मूलधन के साथ ही ब्याज पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। हालांकि यदि आपकी एफडी पर किसी एक वित्तीय वर्ष में कमाया गया ब्याज 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। उस पर भी यदि आपने पैन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो 20% की दर से टैक्स काटा जा सकता है। दावा तो ये किया जाता है कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, यूपीआई, गोल्ड ईटीएफ और इस तरह के कई इन्वेस्टमेंट में आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन उसमें पैसा कम होने का भी जोखिम बना रहता है। इन स्क्रिप्ट्स में आपको फायदा ही होगा, इस बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश की बात करते हैं तो एफडी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। वहीं अगर आपको धन की तत्काल आवश्यकता है तो आप एफडी पर लोन भी ले सकते हैं। सहूलियत के अनुसार आप इसका भुगतान कर सकते हैं। आपको ब्याज तो देना होगा पर एफडी बच जाएगी, उस पर ब्याज भी मिलेगा। लेकिन अगर आप लोन नहीं लेना चाहते तो कभी भी बैंक जाकर अपनी एफडी को तोड़ सकते हैं। अगर आप एक निश्चित अवधि के बाद एफडी तोड़वाते हैं तो बैंक आपको मूल रकम पर ब्याज भी अदा करते हैं। सामान्यतः 45 दिनों से पहले एफडी तोड़वाने पर आपको ब्याज नहीं मिलता है।